उज्जैन खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य व्यापारियों के खाद्य सुरक्षा के संबंध में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। साथ ही खाद्य से जुड़े व्यापारियों को इसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा आम जनता भी खाद्य सामग्री की जांच मोबाइल वैन के माध्यम से करा सकती है। इस कार्यशाला का शुभारंभ उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने किया। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर जिले के विभिन्न खाद्य व्यवसायियों जिनमें नमकीन, मिठाई निर्माता, पोहा, परमल निर्माता, बेकरी, आटा, बेसन, तेल, दुग्ध मसाला निर्माता शामिल हैं, सभी को 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इनको खाद्य सुरक्षा कानून एवं पैकिंग नियमों की अद्यतन जानकारी देते हुए एवं खाद्य पदार्थों को अपमिश्रण से मुक्त रखने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन शनिवार को कालिदास संकुल हॉल में किया गया। इनको खाद्य सुरक्षा कानून एवं पैकिंग नियमों की अद्यतन जानकारी देने के लिए एवं खाद्य पदार्थों को अपमिश्रण से मुक्त रखने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन शनिवार को कालिदास संकुल हॉल में किया गया। प्रशिक्षण स्थल पर खाद्य कारोबारकर्ता उनके द्वारा उपयोग एवं विक्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री की जांच भी करवा सकेंगे। इसके लिए चलित खाद्य प्रयोगशाला मौके पर मौजूद रही। शनिवार को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक नमकीन, मिठाई, खाद्य तेल, बेकरी, पोहा निर्माताओं का प्रशिक्षण हुआ। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक दूध, मावा, घी एवं दुग्ध उत्पादकों एवं विक्रेताओं का प्रशिक्षण किया गया। 3 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक थोक एवं खेची खाद्य कारोबारकर्ता का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बीएस देवलिया ने बताया कि सरकार खाद्य पदार्थों के व्यापारियों की सुरक्षा के मामले में प्रशिक्षण देना चाहती है ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य पदार्थ मिलना सुनिश्चित हो सके। अगर आप इम्पोर्ट फूड का व्यवसाय कर रहे हैं तो इस तरह के कुछ फूड्स हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, सारी जो ड्रिंक्स हैं, जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं वो भी फूड के अंतर्गत आती हैं। तो फूड की डेफिनेशन एक बहुत सरल भाषा में कहें तो अपन थोड़ा सा छोड़ दें दवा को छोड़कर या खुले पानी को छोड़ दें, तो बाकी सारी फूड जो हम ओरली अपने मुंह से ले रहे हैं और वो हमारे शरीर को कुछ एनर्जी दे रहा है। यहाँ जो मिलावट खाद्य पदार्थ के उस पर कार्रवाई के रूप में मिलावट से मुक्ति अभियान जो प्रारंभ किया गया मध्य प्रदेश शासन ने, उसी क्रम में मिलावटियों पर कार्रवाई तो प्रशासन और विभाग कार्य कर ही रहा है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई आप देख ही रहे हैं। साथ ही साथ में जो खाद्य कारोबार करता है उनको कानूनी जो प्रावधान है उनकी जानकारियाँ और जो छोटी छोटी चीज़ें जो उनको कहीं ना कहीं गलती के कारण दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है उन लोगों को, उसके चक्कर में ये अवेयरनेस कार्यक्रम हम आज लोग कालिदास अकादमी में प्रारंभ किया है। 2 दिन का कार्यक्रम है ये, इसमें समस्त प्रकार के खाद्य कारोबारकर्ताओं का प्रशिक्षण हम लोग करेंगे।